कि परमात्मा निराकार है और केवल परमात्मा का प्रकाश ही देखा जा सकता है समाधि आदि लगा कर, साधना से उपासना से। अपुण्यात्माओं, अब क्या बताते हैं, जैसे एक तालाब के अंदर, तालाब के जल के अंदर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी उसके ऊपर गिर रही है, उसका प्रतिबिंब है जल में, और वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर उस तालाब के साथ में बने हुए किसी मकान के किसी कक्ष में उसका एक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन चला जाता है, तो वो रिफ्लेक्शन को में सूर्य का आकार दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। अब उस प्रकाश कक्ष में देखे हुए प्रकाश को ये तो कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सूर्य को निराकार बता रहे हैं, तो उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं। ऐसा ही समझो कि संसार रूपी कक्ष में, ये इस ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो चाहे पिंड कहो, इस पिंड कहो, शरीर को पिंड कहते हैं और ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका अंड आकार है, अंडे जैसी इसका आकार है। तो इस अंड आकार अंड में यानी ब्रह्मांड में उस पूर्ण परमात्मा का प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्टेड होकर आया हुआ है जैसे सरोवर के जल से रिफ्लेक्टेड होकर के प्रतिबिंब, केवल प्रकाश का प्रतिबिंब कक्ष में पहुंच गया, और उस कक्ष के अंदर देखने वाला ये देख रहा है कि मैंने सूर्य का प्रकाश देखा, परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता है। तो ऐसा सिद्धांत है इन अज्ञानी ऋषियों, वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों और देवताओं और गुरुओं ब्राह्मणों का, जिन्होंने अभी तक परमात्मा को निराकार बताया, और साथ में ये कहते हैं प्रभु का डिवाइन लाइट, परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। प्रकाश परमात्मा प्रकाश पुंज है, यानी वो जो रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश देखा उसको भगवान बता रहे हैं, वो निराकार बता रहे हैं। अपुण्यात्माओं, इनका कोई भी सिद्धांत किसी भी सद्ग्रंथ से मेल नहीं खाता। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो कैसे उसकी प्राप्ति होती है, इसका हमारे सद्ग्रंथों में बहुत ही सुंदर विवरण दिया हुआ है। और जिस ब्रह्म को ये निराकार मानते हैं उसने अपना विधान बना रखा है, उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रियाओं से। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये निश्चय होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है और जो ज्ञान हमें प्राप्त है ये बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है, ये विश्वास होना बहुत कठिन है। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा तो आपकी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हट नहीं सकती। इसके लिए दास का प्रयत्न है कि सभी सद्ग्रंथों को आपके सभ्य समाज, आज विद्वान समाज है, शिक्षित समाज है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सभी शिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान उनको पूर्ण रूप से है, और हमारे सद्ग्रंथ हिंदी में लिपिबद्ध हो गए हैं, अब पहले तो संस्कृत में थे, अब अनुवादकर्ताओं ने जैसा भी अनुवाद किया है उस अनुवाद को हम पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि संस्कृत भाषा जो है इसकी लिपि भी देवनागरी है, और हिंदी जो हम पढ़ सकते हैं आसानी से वो भी देवनागरी लिपि में है। तो जहां पर इन्होंने गड़बड़ की है
अनुवाद करण में ये विचलित हुए तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं, उस संस्कृत को भी हम पढ़ सकते हैं और फिर उसका शब्दार्थ हम अपने उस तत्व ज्ञान के आधार से सुचारू और ठीक कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। ऐसा कर रहे हैं तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने ये सिद्ध करना है कि परमात्मा निराकार है या साकार। इसमें हमने अपने सदग्रंथों को ही मुख्य मानना होगा, क्योंकि परमात्मा का कोई भी ज्ञान हम आगे डंडोरा पीट रहे होते हैं, हम किसी सदग्रंथ का अवश्य सहयोग लेते हैं, उसका अवश्य नाम लेते हैं। जैसे पुराणों को, जैसे पुराणों के आधार से, वेदों के आधार से सभी ये कहा करते परमात्मा निराकार है, और ये कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। अब ये हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं, और किसी भी धर्म के श्रद्धालु से विचार विमर्श कीजिए, वो यही कहेगा कि परमात्मा निराकार है। मुसलमान उसे बेचून कहते हैं और ईसाई उस परमात्मा को निराकार यानी फॉर्मलेस गॉड बोलते हैं। फॉर्मलेस मीन जिसका कोई आकार ना हो। जबकि पवित्र बाइबल परमात्मा को नर आकार बताता है, मनुष्य जैसा ही बताता लिखा है, और पवित्र कुरान शरीफ में भी परमात्मा साकार बताया है। तो ये निराकार का जो अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे कि परमात्मा निराकार है, ये ज्ञान हमने कहाँ से ग्रहण किया? लोक वेद था, यो लोक वेद था, दंत कथा थी, ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान नहीं था। अब हमने उन सदग्रंथों को पुनः आधार बनाना है, तब हमारी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान के ऊपर स्थिर होगी, तब तो हम साधक बनेंगे। गीताजी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, योग को प्राप्त होगा। ये देखिएगा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इसमें सब बताया कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, जब तो तू भगत बनेगा, तेरी साधना स्टार्ट होगी। योग को प्राप्त होना, साधना स्टार्ट करना। अपने आत्मा, सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं,
पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा, और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि सोरठ में लेंगे और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहां से छपा है ये दिखाते हैं। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, यहाँ अंग्रेज में लिखा है, यहाँ नीचे इसका प्रकाशन वगैरह, यहाँ हिंदी में लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टामस, एमए एमडीवी, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स पीएचडी, संपादकीय समिति स्टानली एम होर्टन टीएचडी अध्यक्ष, विलियम डब्ल्यू मेंसिस पीएचडी उपाध्यक्ष। आगे देखो, फुल बाइबल, फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ ऑफ रिसर्च, इंटरनेशनल स्प्रिंग फाइल्ड, मशहूर यूएसए मैसूरी। यानी अब इसका हम देखते हैं इसके उत्पत्ति ग्रंथ में, वेरी स्टार्ट में, जहाँ से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है वही दिखाते हैं आपको। ये देखिए जेनेसिस यानी उत्पत्ति, इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है, यो आरंभ यहाँ से होता है, और इसका प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ से देखते हैं आरंभ है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा लग गया, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार यह पहला दिन हो गया, फिर और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार ये चौथा दिन, यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किए। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब